टोडर मल जी, आप जो ये दशमलव और फीसदी की बातें करते हैं ना, इसे बंद कर दीजिए। उन्हें बहुत परेशानी होती होगी। आप अपनी बीवी को सहज और सरल भाषा में पूछिए कि परेशानी क्या है। जापना, जिस दिन मैंने पूछा था उसने मेरे दूध में नीम का रस मिला दिया था, झूठ तुड़की। जापना, हमें लगता है ये सारा जो मामला है ना, बहुत गंभीर होता जा रहा, उलझता चला जा रहा है। इसका हल तो निकालना पड़ेगा। अगर तोडरमल जी ने संधि मसौदा नहीं बनाया तो राजा धीरेन्द्र के साथ जरूरी करार नहीं हो पाएगा। तो है। इस समस्या का हल जो भी निकालेगा हम उसे अपनी तरफ से इनाम देंगे। इनाम? जहांपना की जय हो। हाँ बोलो, आप मेरा मतलब बोलो। मुखिया कोमल सिंह जी आपसे मिलने के लिए आए हैं। कोमल सिंह? अच्छा, भेजो उन्हें। जी जहांपना। आइए दाईजा। जहांपना सलामत रहें। हम यहाँ इसलिए आए हैं कि कोई अनर्थ ना हो जाए। हम कुछ समझे नहीं। जहांपना, कुछ दिन पहले टोडरमल जी की पत्नी शांति पंचायत में आई थी। ये कह रही थी कि इसे आदमियों के बराबर का हक चाहिए। हाँ। हमने मना कर दिया। बाद में हमें पता चला कि ये इस मसले को लेकर यहां महल में आपसे मिलने आ रही है, तो इसलिए हमें आना पड़ा। क्योंकि हम भी समाज के ठेकेदार कोमल सिंह यादव हैं। हाँ हाँ, वो जानते हैं। अब आप ही बताइए जापना, भला औरतें मर्दों की बराबरी कर सकती हैं क्या? हाँ, औरतें तो मर्दों के पैरों की जूती होती है, यही कहना चाहते हैं ना? हर बार औरतें शादी करके मर्द के घर क्यों चले जाते हैं? औरतों के पैदा होने पर मर्द क्यों खुश नहीं होते? अरे औरतें घर के काम क्यों नहीं करते? जंग में मर्दों को क्यों भेजते, औरतों को क्यों नहीं भेजते? तुम कहना क्या चाहती हो नूर? हम ये कहना चाहते हैं जहांपना, कि लड़कियों को भी लड़कों के बराबर की तालीम मिले और हर तरह की नौकरी करने का मौका। बीरबल जी। जी। टोडरमल की हालत हो गई है खराब। हाँ। और राजा धीरेन्द्र सिंह जी हमारे महल में आते होंगे। संधि कैसे होगी? अरे जहांपना, आप बिल्कुल चिंता ना करें। हाँ। हम कुछ करते हैं। हाँ। वैसे जहाँ पना, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। क्यों क्यों? कल दोपहर तक हमें रवाना होना है, और अगर तब तक संधि हो जाए तो अच्छा है। क्यों बीरबल जी? क्या अच्छा है, तब तक कैसे होगी? आप ही ना। देखिए देखिए देखिए, हमें ऐसा लगा कि आप बड़ी दूर से आए, तो हमें थोड़ा तो वक्त देंगे ना मेहमान नवाजी का। दरिया दिल, दरिया दिल। लगता है बीरबल, ये संधि गई हाथ से। नहीं जाएगी, ऐसे नहीं जाने देंगे। देखिए अभी एक दिन का वक्त है, आप आइए, हम आपको मेहमान कक्ष में लेके चलते हैं। जहांपना, हम मर्दों की हालत पे रहम खाइए, इन औरतों की हड़ताल ने बुरा हाल कर दिया है। हाँ जहांपना, अब तो घर में ना कुछ खाने को मिलता है, ना पीने को, ना झाड़ू लगती है, ना बर्तन धुलते हैं, और ना ही हमारे कपड़े। ऊपर से बच्चे संभालने की जिम्मेदारी सर पर आ पड़ी है। दिन में 10 बार हमारे कपड़े गीले और पीले कर देते हैं। अब सबको पता चल रहा है कि औरतों का काम कितना जरूरी है। हाँ जापना, इस सारे मसले का बस एक ही हल है, औरतों को पढ़ाई में हक और सहूलियत देनी चाहिए। हाँ, ऐसा समाज बनाया जाए जहाँ लड़कियों को शिक्षा के लिए भेजा जाए, शिक्षित होंगी औरतें तो उन्हें नौकरियां भी मिलेंगी। अरे वाह। एक शर्त और है जापना। हाँ भाई। हर पति को वादा करना पड़ेगा कि वो अपनी पत्नी के घर के हर काम में, हर कार्य में उसका हाथ बटाए। बटाएंगे कि नहीं बटाएंगे? हाँ हाँ, हम समझ गए कि औरतों का दर्जा क्या होता है, समाज में उनकी कितनी जरूरत है, हमें सब शर्तें मंजूर है। बस आप ये हड़ताल खत्म करवाइए। जहांपना की जय हो। हमने सब सुन लिया है। हम सब औरतें अपनी हड़ताल खत्म करने की घोषणा करते हैं, और साथ ही
नूर जी को इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हाय तौबा। सिर्फ हम नहीं, इसमें बिरबल जी का भी हाथ है। दरअसल जहां पना, हम दोनों ने मिलकर शांति से ये सब करने के लिए कहा था, ताकि मर्दों को औरतों की अहमियत, ताकत और क्षमता का एहसास कराकर समझाया जा सके। बहुत खूब, तुम दोनों ने ही बहुत एक काबिले तारीफ काम किया है। आज रात को जल्दी घर आ जाना, आपकी पसंद का खाना बनाने जा रहे हैं हम। झपना झपना, हम अभी है ना संधि का मसूदा तैयार कर लेते हैं, वो भी दोपहर में। वो क्या है ना, हमें आज जल्दी घर जाना है चोट तोड़ के। आज से औरतों की तालीम का जिम्मा सल्तनत अपने सर लेती है, क्योंकि पढ़ेगा हिंदुस्तान तो पढ़ेगा हिंदुस्तान।